कि लोहार, देखिए दिक्कत क्या है, आप अंग्रेजी में बहुत पढ़ते होंगे, यहां अशोक हमारे बिहार के बड़े भारी समझिए राजा हुए, मौर्य वंश के हुए ना, अंग्रेजी में बहुत विद्यार्थियां होंगे पढ़ने वाले हिस्ट्री का, कहेगा अशोक द ग्रेट, कहेगा अशोक द ग्रेट, मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर। देखिए इस आप जरा समझिए चीज को, जो भी शब्द की जो रचना हुई हिंदी अंग्रेजी, उसमें अपने यहां शब्द हम लोगों के यहां जो हिंदी में है उसमें उसको बिल्कुल स्पष्ट लिखा जाता है र। अंग्रेजी में बहुत जगह देखिएगा कि लोग समझते हैं कि अगर एक ही शब्द लिखे तो पता नहीं वो आधा माना जाएगा, इसलिए वो आर लगा देता है। ये समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत काबिल लोग जो अंग्रेज मानसिकता घो में अशोका बोलेंगे, मौर्या बोलेंगे, कनिष्का बोलेंगे, ये हिस्ट्री में बात है। तो समस्या यहां कुछ नहीं है, समस्या सिर्फ समझने की है, जो हमारे नेता नीतीश बाबू को समझ में आ गई कि बिहार में ये लोहारा कुछ नहीं है, ये लोहार है। और अंग्रेजी में आप एल ओ एफ से आर लिख दिए तो लोहारा खोजते चलिए कौन नहीं, अरे वो रहेगा तब तो मिलेगा। भाषा के चलते ये पूरे समाज को जो उनके अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जा रहा है, कितना बड़ा न्याय है। इसमें और कोई बात ही नहीं है। आप देखिए ना, वो ठीक बोल रहे थे हमारे साथी भाई, केंद्र में ही दो उसके पदाधिकारी दो चीजों का प्रयोग कर रहे हैं भाई। एक में मैं भी देख रहा था, हिंदी में लोहार भी लिखे हुए है और कौमा करके लोहारा भी कर दिया है। देखिए ना, मनसा क्या थी, मनसा बहुत स्पष्ट है कि ये समाज लोहार ही है, और अगर लोहारा भी आप समझते हो तो भी सर्टिफिकेट दो उसको, मनसा सर्टिफिकेट देने की। हाँ एक बात भी कह रहे हैं अंग्रेजी में, ये सही बात है कि भाई अगर आप अंग्रेजी में सर्टिफिकेट दीजिएगा, आज एल ओ एच ए आर लिख दीजिएगा, तो बिहारी क्या वो उत्तर प्रदेश का भी अफसर होगा तो लोहारे पड़ेगा। आप तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, कहीं का अफसर होगा कहेगा तो लोहारा है। इसलिए आपका ठीक सुझाव है कि हिंदी में जब सर्टिफिकेट में लोहार लिखते हैं तो अंग्रेजी में भी ब्रैकेट में एल ओ एच ए आर ही लिखा जाए, ए को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आर किसी चीज का झगड़ा ही नहीं है। उर्दू में तो होता है ना, एक नुक्ता से खुदा जुदा होगा, ही हाल यहां है और कुछ नहीं है। और इसीलिए इस मामले को राज्यसभा में कहकशा प्रवीण कई बार लगाई थी, हम चूंकि हम नेता हैं, हमसे बोले कि सर इसको रखना है, तुम रखो हम लोग सपोर्ट करेंगे, रखे उसको, बात कह दिया। फिर वो मंत्री जी भी बैठे हुए थे जो इस विभाग के मंत्री थे, और हम लोगों ने कहा कि मंत्री जी बड़ा अन्याय हो रहा है भाई, बच्चे बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत से, एक गरीब समाज के बच्चे हैं, कंपीट किए हैं, और इस चलते इनको सर्टिफिकेट चलते ही इनको जो नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो ठीक नहीं है। तो बोले कि ठीक है भाई, हम लोग इस पर एग्जामिन करेंगे। तो देखिए मैं जितना मैं समझ रहा हूं इस बात, इसमें आपका पक्ष मजबूत है। अच्छा आपके वकील लोग भी तो कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं ना क्योंकि मरियल टूटल वकील है आपका। आपके वकील कौन है, सबसे बड़ा वकील, अरे सबसे बड़ा भी कौन, नीतीश कुमार जी हैं भाई। जब नीतीश बाबू को इस समझ में आ गई और बिहार में यह कर दिया, तो दिल्ली वाले को बिहार से ज्यादा हिंदी आती है।